राजधानी भोपाल में एक महिला की सोनोग्राफी कर रहे डॉक्टर यतीश सक्सेना पर युवक ने किया लोहे की रॉड से हमला। डॉक्टर के हाथ की दो उंगलियां में हुई फ्रैक्चर। बता दें कि राजधानी भोपाल के कोयफिजा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की सोनोग्राफी कर रहे डॉक्टर यतीश सक्सेना पर युवक ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। युवक के हाथ की दो उंगलियाँ फ्रैक्चर हुई है। युवक अपने परिजन की पहले सोनोग्राफी कराना चाहता था, जबकि उस समय डॉक्टर सक्सेना किसी प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी कर रहे थे। इसी बात पर विवाद हुआ, युवक ने रॉड उनके हाथ पर दे मारी। लालघाटी स्थित तृप्ति अस्पताल की पूरी घटना है, कोयफिजा थाने का पूरा मामला है। वहीं पुलिस पर भी आरोप लगा है कि करीब चार घंटे तक डॉक्टर की FIR नहीं लिखी गई है। वहीं बता दें कि पूरा मामला आज का ही है और पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है। बता दें कि राजधानी भोपाल में शनिवार को यह लालघाटी क्षेत्र में घटना घटित हुई, जहाँ पर डॉक्टर के ऊपर एक युवक ने जानलेवा हमला किया है।